केंद्रीय शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में आज रसोई गैस के दाम बढ़ने पे जिला धूमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जॉइंट सेक्रेटरी भूषण कुमार पल्होत्रा जी ने रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है कि गैस के जो दाम बढ़ाए गए हैं ये गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ है। तो ये सिलेंडर गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं इस पे इनका क्या कहना है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जॉइंट सेक्रेटरी भूषण कुमार पल्होत्रा जी से जानते हैं। जी सर, देखिए मेरा नाम भूषण कुमार पल्होत्रा है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और कार्यकर्ता हूँ। ये जो सिलेंडर का रेट एक ही दिन में इन्होंने 100 रुपया बढ़ा दिए, ये बीजेपी की ये इतनी बुरी आदत है। 2 रुपये का लोगों को फायदा देती है और 80 रुपये उनसे बेनिफिट लेती है। ये सिलेंडर पहले 300 रुपये का था, आज ये सिलेंडर 700 रुपये 760 रुपये का दिया है। ये क्या लोगों को इन्होंने मुफ्त में सिलेंडर दिए थे सबको, गरीब लोगों को जिनके पास कोई पैसा नहीं था कुछ नहीं था, इन्होंने बोला भाई अब हम आपको ये फ्री के सिलेंडर देंगे। फ्री के सिलेंडर देते थे, आज इन्होंने जे सिलेंडर का बताओ 750 रुपया 60 रुपये का दिए, ये कहाँ लोग बेचारे मतलब कि ये ले आएंगे गैस सिलेंडर का कहाँ से भरवाएंगे, ये लोग बाप अपने चूल्हे पर आ जाएंगे। इन्होंने ये धंधा खोल रखा है बीजेपी वालों ने, 2 रुपये की चीज़ 8 रुपये की बेचते हैं, पहले बोलते हैं मुफ्त ले जाओ, फिर पैसे जब लोग लेते फिर बोलते हैं डबल पैसे दे दो। ये बहुत बेइंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीब दबे कुचले हुए लोगों के साथ बड़ा बेइंसाफी धोखा किया जा रहा है। इलेक्शन के दिनों में इन्होंने ये पैसे नहीं बढ़ाए, जब इलेक्शन DDC की इलेक्शन हुई उसके ठीक एक हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद गैस के भाव सीधा 100 रुपये ऊपर कर दिया। नहीं लोगों को तो राशन डंग का मिल रहा है, नहीं कोई तेल मिल रहा है, गैस सिलेंडर की बात थी और ये भी 100 रुपये ऊपर कर दिया। मैं बीजेपी वालों की निंदा चुगली करता हूँ, क्या कहूँ मैं, लोग बहुत दुखी है, गाँव गाँव में जा रहे पूछ रहे हैं लोगों को, लोग तो बोल रहे तंग आ चुके हैं हम बीजेपी वालों को। धन्यवाद सर बहुत। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भूषण कुमार जिला डूमपुर के, इनका कहना है कि सरकार जो है पहले वादे कुछ और करती है, हम मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं लेकिन जब देने देते हैं तो उसके बाद ये पैसे वसूलती है और सरकार जो है कमाई का अपना जरिया बनाती है। तो इससे गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो परेशान है, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुंदर नासा की ग्रोइंग मीडिया उधमपुर।